हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल योर न्यू डायरेक्शन। आज की वैकेंसी आ रही है शिक्षा विभाग से और यह भर्ती सीधी भर्ती इसलिए है क्योंकि यहां पर जो आपका सिलेक्शन है वो किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा से नहीं होने वाला है। पद 1638 रखे गए हैं, सैलरी आपकी 55,000 रुपये मिलेगी। बहुत ही अच्छे पदों के लिए भर्ती है। अगर आप सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं तो इस वीडियो को देखें पूरा, और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरह के आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलें आपको सबसे पहले। साथियों, हम आ गए हैं चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट www.yournewdirection1.com पर। इस वेबसाइट पर भी आप जाकर नई नई नौकरियों के बारे में पूरी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं, वो भी साधारण भाषा में। तो हम आज की जो वैकेंसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो वैकेंसी आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एंड ब्लॉक रिसोर्स रिक्रूटमेंट 2019 के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर 1638 पदों के लिए वैकेंसी आ रही है हरियाणा के द्वारा। ये वैकेंसी यानी हरियाणा स्टेट में ये वैकेंसी आ रही है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आप नोटिफिकेशन नंबर भी देख सकते हैं। पोस्ट है असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर ABRC और ब्लॉक रिसोर्स पर्सन BRPS। पद हैं 1638 पदों के लिए वैकेंसी है। महिला पुरुष कोई भी हो, आप आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। जो मोड है आवेदन करने का वो ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। जॉब का लोकेशन हरियाणा है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं, कोई यहाँ पर बॉन्ड नहीं रहने वाला है। इम्पॉर्टेंट डेट जान लें, जो आवेदन करने की अंतिम तारीख है वो 4 जुलाई है। 4 जुलाई से पहले आपको आवेदन कंप्लीट कर लेने हैं। फीस आपको 5 जुलाई को शाम को 4 बजे से पहले जमा कर देनी है, ठीक है। आवेदन 4 जुलाई को 5 बजे तक, फीस 5 जुलाई 4 बजे तक आपको कंप्लीट करनी है। अब क्वालिफिकेशन देख लेते हैं साथियों यहाँ पर। तो सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर की, इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट फर्स्ट क्लास चाहिए विद बीएड एमफिल यूजीसी नेट, कुछ भी होना चाहिए साथ में। और मैट्रिक्स में आपका हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट, 10+2 बीए एमए विद हिंदी एज ऑन द सब्जेक्ट होना अनिवार्य रखा गया है। तो ये हो गया असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर की क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट है ब्लॉक रिसोर्स पर्सन की क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। मैट्रिक्स विद हिंदी संस्कृत चाहिए आपको, 10+2 बीए एमए में हिंदी एज ऑन द सब्जेक्ट एक चाहिए, ठीक। सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको कोई भी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी जैसे कि एसटेट, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी एसटेट, ठीक है, या नेशनल NET, इस तरह का कोई एक आपके पास होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। उसके बाद IT स्किल में कोई अगर आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं इसके लिए। उम्र सीमा की जो आपकी यहाँ पर बात रखी गई है वो 18 से मैक्सिमम 42 वर्ष किसी भी कैटेगरी के हों आप आवेदन कर पाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पर 500 रुपये फीस देनी रहेगी। फीमेल SC BC ESM PHC से आप हैं तो 250 रुपये आपको यहाँ पर फीस देनी पड़ेगी। सिलेक्शन आपका इंटरव्यू से होने वाला है, कोई परीक्षा यहाँ पर आपको नहीं देनी है। सैलरी आपको 55,000 रुपये यहाँ पर मिलेगी। अब पोस्ट की डिटेल यहाँ पर देख लीजिए। असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर के लिए 1207 पद हैं, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के लिए 429 पद हैं। तो जो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के पद हैं उनको डिवाइड कर दिया गया है सब्जेक्ट वाइज। हिंदी में अगर आप हैं तो 73, मैथमेटिक्स से हैं तो 108, इंग्लिश से हैं तो 67, ठीक है। अगर आप साइंस फिजिक्स सब देखिए डिवाइड है, बॉटनी से 104, फिजिक्स 30, केमिस्ट्री 29,
जूलॉजी बाय बॉटनी 23, ठीक है। फिर यहाँ पर सोशल जो साइंस है और यहाँ पर हिस्ट्री जियोग्राफी सब डिवाइड की गई हैं, सबके अलग अलग पद यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आर्ट्स हैं, अगर फाइन आर्ट हैं होम साइंस तो 77, हिस्ट्री को 9 पद, जियोग्राफी को 14, पॉलिटिकल साइंस को 11 और फिजिकोलॉजी को 34, म्यूजिक को 5, होम साइंस को 2, फाइन आर्ट को 2 पद यहाँ पर डिवाइड कर दिए गए हैं। तो इस अनुसार आप देख सकते हैं। अब साथियों, आपको आवेदन करने के लिए जो फुल नोटिफिकेशन है यहाँ से मिल जाएगा, असिस्टेंट रिसोर्स पर्सन फुल नोटिफिकेशन, यहाँ से आप क्लिक हियर पे क्लिक करिएगा और डाउनलोड करिएगा। पूरा यहाँ पर आप अधिक जानकारी फुल नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। ब्लॉक रिसोर्स पर्सन का फुल नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी इससे संबंधित, भर्ती से संबंधित। ये नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से इसको डिटेल्स को समझ लीजिएगा और ज़्यादा से, ठीक है। तो इस वीडियो में दी गई सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। कोई भी डिटेल अगर आपको ना समझ में आई हो, कोई कमी रहेगी हो, तो तुरंत आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वेबसाइट पर भी कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने साथियों के साथ भी शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरह के आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलें आपको सबसे पहले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद।